हरियाणा ने जानबूझ के बस छुड़वाई है। है? लेकिन क्यों? पता है मुझे क्या लग रहा है कि वो वीर बालिका के साथ कुछ समय बिताना चाहती है। शायद उसे ऑलरेडी मिस कर ली। प्रीत, मुझे लग रहा है ना शायद मैंने अपना इरादा बदल दिया। शायद वो रुक जाए। मिनी और आर्या को एक दूसरे की बहुत जरूरत है। सब समझ रहे हैं, बस वो दोनों ही नहीं समझ रहे। सुना नहीं, लास्ट बेल हो चुकी है, अंदर आना अलाउड नहीं है। अरे थोड़ी देरी तो लेट हो, देखो मैं सारी बच्ची है ना, उसका फर्स्ट डे स्कूल का। प्लीज जाने दो। प्रिंसिपल का ऑर्डर है, जो भी लेट आए उसको अंदर आना अलाउड नहीं है। प्लीज चौकीदार अंकल जाने दो ना, आज मेरे स्कूल का फर्स्ट डे है, मैं कभी आगे से लेट नहीं होंगी। समझा करो, मेरे बस की बात नहीं है। अरे चौकीदार अंकल खड़ूस हो यार आप, अरे सुनो तो सही। अब क्या हो गया जो होना था, और करो टाइम वेस्ट, और लगाओ छोटी-छोटी बातों पे टाइम। मैं बोल रही थी रेडी हो जाओ, लेकिन नहीं, मुझे तो ये रिवेंज चाहिए, मुझे तो यही करना चाहिए, मुझे तो यही सब चाहिए। रुक तो, अभी नहीं खुलने वाला है गेट। मैं कोई जाने, तुम कुछ भी करके गेट खुलवाओ। अरे ये गेट एक बार बंद हो गया ना, फिर हो गया, फिर ये नहीं खुलता। आई नो इट, तुमने ट्राई भी नहीं किया है। एक सेकंड, ओ हेलो डंकी, मैं इसी स्कूल में पढ़ी हूँ, ठीक है ना? आई नो ये इनके रूल्स में बहुत स्ट्रिक्ट है, एक बार गेट बंद हो गया तो हो गया, भी लोग नहीं जाने देंगे। अब ये है ना, एक दिन छुट्टी मार ले, इसमें क्या मजे कर। नहीं, मुझे स्कूल जाना था, तुमने सब रॉन्ग कर दिया, मेरी एब्सेंट लग जाएगी। तुमने स्कूटी भी स्लो चलाई, मेरे बाल भी स्लो बनाए, तुमने सब कुछ जान पूछ के किया। मैंने? और नहीं तो क्या? मैंने? देखो इस तरह मुझे ब्लेम करके कुछ नहीं होगा, समझी ना? ठीक है शटंकी, लेट मी फाइंड आउट मैं तुम्हें अंदर कैसे पहुंचा सकती हूं, लेट मी थिंक। पर स्कूल गेट तो बंद हो गया। शटंकी, पता है हनुमान अंकल क्या बोलते थे? बोलते थे रज चोरी, और एक गेट बंद हो जाता है ना तो दूसरा गेट अपने आप खुल जाता है। मतलब? फॉलो मी। डंकी, मैंने ओके फाइन फॉरगेट इट। यू नो हम क्या करने वाले हैं? इस दीवार को टाप के स्कूल के अंदर जाएंगे। टाप के? नो नो नो, अगर चोट लग गई तो? नहीं लगेगी यार, ट्रस्ट मी। कप मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। सो व्हाट? बाल खराब हो जाएंगे। सो व्हाट? तुम तो कुछ नहीं समझती, गर्ल्स कभी दीवार टापती नहीं है। ओ, किसने बोला? मैंने बहुत दीवारें टापी हुई हैं, लंबी लंबी। ये दादी अम्मा क्यों बार बार कॉल कर रही हैं? नेवर माइंड।
सही है ना, चला जाओ ऊपर। तुम गिरा दोगी? नहीं गिराऊंगी। अगर गिरा दिया तो, हाथ तोड़ दिया तो, किसी ने देख लिया तो, मर गई तो? चलो रेडी? नहीं मैं नहीं कूदूंगी। अरे चलना, चलो हाथ पकड़। हाथ टूट गया तो? What? चटंकी आगे खोल। हम सेफ पे हम लैंड कर गए, दीवार टाप की भी आ गए, मरे भी नहीं, पुलिस भी नहीं, किसी ने देखा भी नहीं। देख लिया। स्कूल की दीवार टापती हो? आप दोनों को प्रिंसिपल के ऑफिस में चलना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। मैं तो प्रिंसिपल मैम से कह दूंगी, ये सब वीर बालिका ने किया। और नहीं तो क्या, तुम कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकती? तैयार भी नहीं कर सकती, खाना भी नहीं बना सकती, स्कूटी तेज भी नहीं चला सकती हो, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। ओ हेलो छुटंकी, ज्यादा ना एटीट्यूड में दिखाना मुझे, समझी ना? स्कूटी इसलिए सो चला रही थी क्योंकि तुम बैठी थी मेरे साथ। और एक और बात, ज्यादा एटीट्यूड दिखाए ना अभी उठ के चली जाऊंगी मैं, फिर अकेले पड़े रहना इधर, प्रिंसिपल मैम को भी अकेले जवाब देना। वैसे भी दादी अम्मा बार बार कॉल कर रही है मुझे। मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये दोनों लड़कियां स्कूल की दीवार टाप के आई थी। भाई क्यों किया आप दोनों ने ऐसा? मिनी, ओह माय गॉड, राजू मैम। हाउ आर यू मैम? फाइन, कांट बिलीव। कैसे हो? यस मैम, लास्ट मैंने सुना था तुम ऑस्ट्रेलिया चली गई हो। यस मैम, वो एक्चुअली आप तो जानती हैं मुझे हमेशा से ट्रैवल फोटोग्राफी करनी थी, और फिर बस मुझे स्कॉलरशिप मिली, सो एंड देन आफ्टर दैट आई वेंट। मैं बता नहीं सकती तुम्हें, आई एम सो हैप्पी। I'm feeling proud of you. Thank you, ma'am. लेकिन ये क्या है? ये दीवार फांद के आना, all that? Ma'am, can I talk to you थोड़ा? Yes, आप चाहिए? रूल्स तो रूल है ना? यस मैम, आई टोटली एग्री, बट दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, आई प्रॉमिस दिस वोंट हैपन इसके बाद। ओके आर्या। यस मैम। दिस टाइम आई एम लेटिंग यू अटेंड द क्लासेस, बट ओनली दिस वंस, आगे से टाइम से आना। ओके मैम। मेरी बच्ची। ओके मैम, थैंक यू, टेक केयर। नहीं रखा था ठीक है, लेकिन फिर भी मैं लाजो मैम की फेवरेट थी हमेशा से। क्या मतलब क्यों? स्कूल की टॉपर थी, कराटे चैंपियन थी, इतनी ट्रॉफी जितवाई थी स्कूल को। यू डोंट नो, 10th में ना पूरे पंजाब की टॉपर थी और 12th में इस पूरे स्कूल की। झूठ, मैं नहीं मानती। क्या झूठ, सच बोल रही हो? मैं नहीं मानती। आई नहीं, मेरी बात मत मानो, मैं तुम्हें वोट दिखाती हूँ प्रूफ के लिए, कमेंट में। ये देखो। क्या है? ये बोर्ड ऑफ ऑनर है, यहाँ सारे टॉपर्स का नाम लिखते हैं और इसमें मेरा भी नाम लिखा हुआ है।
अरे ये तो रहा ना नीचे, ये देखो ये। Excuse me, uncle. Excuse me. इधर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है मिनी खुराना 95% 2013। क्यों? नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं, सॉरी आप जाइए, आपको ऐसे डिस्टर्ब किया, फालतू में परेशान किया ने छुटंकी, समझी ना? बिल्कुल समझ गई, ये तुम झूठ बोल रही हो। हा? इसमें तो किसी मिनी खुराना का नाम लिखा है, तुम तो मिनी बबीता हो। एक टाइम था जब मैं मिनी खुराना थी, अब नहीं। क्यों, तुम बदल गई? हाँ बदल ही गई, इनफैक्ट सब कुछ तो बदल गया है। कैसे बदल गया? पर इस बार मुझे और मेरी बेब्स को अपने साथ ले चलो, आपको कसम है हम दोनों की। मुझे सीधा सीधा बताओ, आप मेरी बेब से प्यार करती हो, हाँ या ना? नहीं। तूने मुझे चलना सिखाया था ना, मैं सूट समेत तुझे उड़ना सिखा रही हूँ। मिनी अशोक खुराना, यही नाम है तुम्हारा और यही रहेगा पूरी जिंदगी भर। आज से वो अशोक मिनी खुराना नहीं है, वो मिनी बबीता है। चल हम तेरा नाम चेंज कराते हैं लीगली। बताओ ना क्या बदल गया? अभी नहीं, किसी और दिन, बहुत लंबी स्टोरी है, बाद में बताऊंगी। बाद में नहीं, अभी बताओ, अभी बताओ। अरे अभी नहीं, क्लास में सो जाएंगे फिर प्रिंसिपल मैम गुस्सा हो जाएंगे। चलो चलो गो। हाँ, आज मेरी स्कूल बस मिस हो गई थी, इसलिए मैं वापस स्कूल बस से नहीं आ सकती, तुम्हें मुझे लेने आना पड़ेगा। ओके आ जाऊंगी। भूलना मत, आ जाना। ओ कैसी बिटिया? अरे राजबेरी भैया कैसे हो आप? सब रब की दुआ है, अब तो तेरा आना जाना लगा रहेगा, तेरी बहन जो इस स्कूल में पढ़ने लगी है ना? आप नहीं, वो मैं नहीं, मैं तो कुछ दिनों के लिए आई थी इंडिया वापस, मैं वापस ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी, जॉब करती हूँ ना वहाँ पर। फिर ये छोटी सी बच्ची यहाँ कैसे रहेगी, इसको तो माँ बाप नहीं है लोग इधर उसे संभालने के लिए, है दादू भी जी हैं, फिर दादी अम्मा है नहीं भी जो हमारे सामने रहती है, तो वो संभाल लेंगी उसे, तो मैं जॉब नहीं छोड़ सकती ना अपनी। फिर भी जो रब की मर्जी। ये दादी अम्मा भी ना, ये खुर्शीद मियाँ और सिंपी आपस में बिलौटों की तरह लड़ रहे हैं, किसी के समझाने से नहीं समझ रहे। देख मिनी, ये सब मुझसे तो नहीं संभलने वाला, बबीता के बाद तू ही इस रेस्टोरेंट की मालिक है, तू आ जाएगी तो शायद तेरी बात सुन लेंगे ये। अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। ए जरा सी लड़की सिखाएगी हमें? जरा सी लड़की किसे कह रहे हो आप? खुर्शीद मियां। तुझे कह रहे, तुझे। बबीता मैम की ना असिस्टेंट शेफ रह चुकी हूँ और अब पटियाला बेब्स की शेफ हूँ। अरे जा जा, हमें ना बता कौन क्या है। अरे वो तो बिल्ली के भाग से छींका फूटा तब जाके ये सब हथियार है तुमने। सुना नहीं, नहीं सुना आपने? आई टेल यू, ये ओल्ड मैन ना अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, मैं ना इसके बालों की सफेदी देख के इसकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मेरा भी मुंह खुल जाना है। चुप कर अल्लाह मारी, है क्या क्या बकबक बकी है चली जा रही है। और खुर्शीद मियां आप भी ना बच्ची से उलझ रहे हो, अरे कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। अरे उम्र का लिहाज तो इसे रखना चाहिए नहीं भी, बताइए भला कोई अपने बुजुर्गों से इस तरह जबान चलाता है? और वैसे आप क्या नसीहत दे रहे हैं, आप ही से सीखिए ये।
आपकी खुद की जबान कौन सा दूध की दूली बाबा खुर्शीद मियां है अरे उल्टा चोर कोतवाल बुलाते हैं अरे रहने दीजिए मोहतरमा हमने भी खूब जमाना देखा है और इनकी जैसी लड़कियां भी मतलब बुड्ढे हो तो मतलब कुछ भी बोलोगे आ गए हो क्या आए बड़े सिंपी दीदी आप क्या बोल रहे हो थोड़ा तो होश करो आप सही कह रही हूँ होश की दवा कर होश की दवा तो आपको करनी चाहिए दादाजी वो भी दिमाग की वो एक सेकंड हो क्या रहा है यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कोई मुझे कुछ बताएगा अरे क्या बताऊं मिनी वो मैगजीन का रिव्यू देने वाला आया था ना तो उसके लिए जो डिश बनाई थी वो इन दोनों ने मिलकर ही बनाई थी हमेशा की तरह खुर्शीद मियां ने मसाले तैयार किए थे और सिंपी ने पकाया था तो प्रॉब्लम क्या हुई अरे जब रिव्यू खराब आया है तो ये दोनों एक दूसरे पे दोष मढ़ने में लगे हुए हैं दोष नहीं देंगे बताइए आप ये इस लड़की का ध्यान कभी काम में रहता नहीं है दिन भर वो कान में फुलतरू तुनतुना सा लगाए फिरती है और गाने सुना करती है बस हां तो ठीक है ना मेरा सेल फोन है मेरे ईयरफोन है आपके पेट में क्यों मरोड़ उठ रही है आप ना अपना आंखों का ना इलाज करवा दीजिए पता नहीं कैसे मसाले मसाले बनाते बस बहुत हो गया बता रहे हमारे मसालों के बारे में कुछ मत कहिएगा खानदानी पेशा है हमारा मसाले तैयार करने का समझ रही है हमारे अब दादा जान की जागीर है जागीर तो उसके खिलाफ हम तुझे कोई गुस्सा की नहीं करने देंगे समझी अरे जाओ जाओ खुर्शीद मियां चुप करो मैं बता रहा हूँ मैं अरे चुप चुप देख रही है ना मिनी अरे आज जब पटियाला बेब रेस्टोरेंट पे मुसीबत आई है तो इन दोनों को चट्टान की तरह साथ में खड़ा रहना चाहिए पर ये तो आपस में ही लड़ मर रहे हैं ऐसे तो ये रेस्टोरेंट चलने से रहा क्या घूर कह रहे हो अपनी आंखें ना नीचे रखो क्या कह लेंगे बता मुझे मिनी देखो सिंपी तो नहीं मान रही है मिनी अब खुर्शीद मियां को ही समझाना पड़ेगा दोनों के दोनों नौकरी छोड़ने की जिद पर अड़े हैं ये तो अनप्रोफेशनल मज़म हुआ ना दादी अम्मा हमने उन्हें हायर किया वो एम्प्लॉई से हमारे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं वो या फिर उन्हें बोल दो फिर हम उनकी सैलरी रुकवा देंगे अरे सैलरी रोकने से भी क्या हो जाएगा हमारा नुकसान पूरा हो जाएगा क्या नहीं ना इतना जरूर होगा कि सिंपी जो इस उम्र में भी शादी के सपने देख रही है वो सपने टूट जाएंगे और वो खुर्शीद मियां उनके बूढ़े बाप के इलाज के लिए पैसे तक नहीं बचेंगे दादी अम्मा आप तो ऐसे बोलो जैसे मैं उन्हें खुद नौकरी से निकाल रही हूँ वो खुद छोड़ के जा रहे हैं ना अरे वो तुनक के कह रहे हैं मिनी वो घबरा के एक दूसरे पे दोष मढ़ रहे हैं कि रेस्टोरेंट का रिव्यू खराब हो गया दोनों डरे हुए देख मिनी ये लोग चाहे जैसे हों लेकिन अपने अपने हुनर में माहिर हैं बबीता ने इन्हें ढूंढ कर ही रखा था अरे 100 लोगों में परख कर लाई थी अगर ये चले गए तो नुकसान हमारा ही होगा नुकसान और कितना नुकसान होगा दादी मैं ये लिखो लुक एट दिस यू वोंट बिलीव दिस ये क्या है ये सब घाटे में चल रहा है हमारा रेस्टोरेंट ब्रेक इवन तक नहीं मिला जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक तू तो अपनी माँ को जानती ही थी उसके हाथों में तो उमदा स्वाद था लेकिन बिजनेस की समझ कहाँ थी उसे I don't understand. फिर ये कैसे चलता होगा सब कुछ हार्डली कुछ आता होगा इस सबसे तो हार्डली कुछ पूछता होगा अब तू आ गई है तो संभाल ले इस रेस्टोरेंट को मैं कैसे संभालूं दादी मैं जा रही हूँ कल रात की फ्लाइट है मेरी इतना टाइम नहीं है अब मैं कुछ नहीं कर सकती ना पता नहीं मिनी
लेकिन ये तेरी माँ का सपना था जो उसने तेरे लिए देखा था, और फिर इतने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है इससे, सिंपी का, खुर्शीद का, गीता का और मेरा भी, कितने लोगों का गुजारा चलता है, इन वेटर्स का, इन क्लीनर्स का, सब लोग इसी रेस्टोरेंट के भरोसे हैं। अरे कुछ तो कर अल्लाह मारी, तू कर सकती है, मैं जानती हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.